एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं एकदम बढ़िया। तो मैं कई दिनों से ना सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है और ये मेरे को आम निकल गए। मैं आम खा रही हूँ दबा के। यार क्या है, सीजन चला जाएगा फिर क्या करेंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा, थोड़ा अजीब भी रहेगा, क्योंकि आज हमारा इस क्वार्टर में लास्ट डे है। पैकिंग हमारी हो गई है, किचन विचन थोड़ा सा रह गया है सामान, पैकिंग हमारी हो गई है और हमें शाम को निकलना है। तो थोड़ी सी पैकिंग रह रखी है, वो बाद में करेंगे। बाकी मैंने पूरी पैकिंग कर दी है, दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ पैकिंग अभी पेंडिंग है जो अभी हमें करनी है। तो चीकू जा रहे हैं अभी, छोटा कुछ काम है और मैं फिर पैकिंग कर। यही हमारी फाइनल पैकिंग। साइकिल भी जाएगी, वो हमारी नहीं है, अलमीरा। बाकी पूरा टोटल सामान जाएगा और कुछ रह गया है वो भी अभी पैक करना है। बिना शिव भी उठ के आ गए हैं, सोते उठते मेरे पास में। आज तो मैं चली जाऊंगी ना, है ना शिव? ना क्या, नहीं जाऊं। और ये शिव की मम्मा ने सुबह सुबह नाश्ता दे दिया था और मैंने चाय बना ली है अभी। गाइस अभी मेरी हो गई है पूरी की पूरी पैकिंग, पूरा घर पैक कर दिया है मैंने। सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं वो चीकू पैक करेंगे, मेरे से पैक नहीं हो पाएगी। और अब भी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि एक दीदी ने इनवाइट किया है। सुबह एक दीदी ने नाश्ता दे दिया था और अभी एक दीदी ने इनवाइट किया, उन्होंने कुछ बनाया है। तो जा रही हूँ उनके घर खाण रेडी रेडी होके। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और ये मैंने यहाँ पे सूट वूट रखे हुए, कुछ अपने कुछ चले गए हैं। और अभी मेरा कुछ प्लान है, पहले मैं यहाँ पे ही ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करने वाली थी, लेकिन अब भी ऑनलाइन का ज़्यादा था, लेकिन अब भी मुझे जाना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो वहाँ का प्लान आपको आगे पता चल जाएगा व्लॉगिंग में। और हो सकता है अब मैं कंटिन्यू शॉर्ट वीडियो या व्लॉगिंग करूँ, प्रॉमिस नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है। मेरा ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना काम को, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों मैं ऐसी सी हूँ। तो चलो चलते हैं और दिखाती हूँ दीदी ने क्या बनाया। हाँ मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है, इग्नोर करना। बॉक्स में ना बर्तन बर्तन पैक कर दिए, थोड़े से बचे हैं वो चीकू करेंगे, ये वाला चीकू करेंगे। और थोड़ी सी चीज़ें हैं उसमें, मैंने अपने सूट वगैरह थे वो रख लिए हैं। गाइस कैसे बैठे हुए हैं दोनों के दोनों, ये रही मैं और वो रही पीछे दीदी जिन्होंने इनवाइट किया है। जितने पकौड़े कहीं के पकौड़े हैं, बूटे जो स्वीट कॉर्न रहते हैं उनके पकौड़े पहली बार खाऊंगे मैं। भाई इनकी कुकिंग के चर्चे हैं, इधर चाय बनती है। भाई सबसे पहले दीदी ने दिया है हमें ये स्ट्रॉन्ग ग्लास, दीदी का और मेरा पैक है। ये पकोड़े और ये है चाय। जैसे कि मैं आर्मी क्वार्टर में रहती थी बहुत टाइम से थी, और बहुत ऐसी दीदी थी जो कि कैमरा शायद थी, कैमरे के सामने नहीं आती थी। तो मैं अब जा रही हूँ, मैंने उनकी परमिशन ली है और मेरे लिए यादगार रहेगा, वो लोग भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है प्रीति दीदी, काश्यप दीदी, मैं भूल जाती हूँ भाई इनके स्टेट, कर्नाटक, अलग अलग स्टेट की है सारी। और बहुत प्यारी है सच में, मतलब फैमिली से भी अच्छे रहते हैं यहाँ पे सब लोग ना। आर्मी का सबसे बड़ा यही रहता है कि फैमिली की तरह रहो सारे के सारे। एक बड़ी बहन भी मिली, छोटी बहन भी मिली, ट्रिप मारी हमने दोनों ने। और ये दीदी अभी आई है जस्ट, नहीं नहीं, तो ये दीदी महाराष्ट्र से है, ये दीदी महाराष्ट्र यहाँ, वैसे एक इनका ही कब्जा था यहाँ पे महाराष्ट्र वालों का। ये पूजा दीदी है, ये सबसे ज़्यादा मेरे साथ रहती थी, ये सबसे ज़्यादा मेरे पास रहती थी। इनको तो आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, लेकिन इनकी आज मैंने परमिशन ली है। ये बहुत कैमरा सा है, आपको अभी भी दिख रहा होगा इनके फेस पे। तो इन दोनों के साथ तो मेरा बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे वाला टाइम जिसको बोलते ना वो बीता है। और मेरे को लाइफ टाइम एक होता ना, लाइफ टाइम मेरे को बहुत याद रहेंगे दोनों की दोनों सच में। और हम तो बहुत ज्यादा मिस करेंगे, सबसे ज्यादा मेरा शो मिस करेगा दीदी को, आपको भी बहुत मिस करेंगे, सबसे ज्यादा मिस करेंगे मेरा शो भी और मैं भी। अभी आ गया हमारा दोपहर का खाना, दीदी ने दिया है दाल चावल पनीर की सब्जी और ये क्या बोलते पूरी और दही। चीकू खाना खा रहे हैं और मेरा तो गाइज मेरी ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है गर्मी की वजह से। दोपहर में और रात को दोनों टाइम लाइट भगा देते हैं, पता नहीं सो जावे के बिजली घर वाले। तो ये तो यहाँ खाना खा रहे हैं, मैं जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक मेरे पे खाना नहीं खाया जावे। और पता है मैं अभी ना अपना सूट निकाल रही थी, उसकी डोरी उसमें उलझ गई, मेरा मंगलसूत्र की डोरी टूट गई, इसको ठीक करवाना पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो
गर्मी में बुरा हाल है, जो लाइट आएगी खाना खाऊंगी। अभी दीदी और आ रखी थी बेचारी, वो भी गर्मी में सूट लेके गई है। पर थैंक यू, मेरी बिजनेस की स्टार्टिंग है और उसमें मेरी हेल्प करी। अभी लाइट आई थी, देखा होगा पीछे लाइट जली है, मेरी हेल्प करी है, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बने रहना, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और अभी आगे का जो भी प्लान रहेगा ना, मैं बता दूंगी कि मैं शॉप ओपन कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ या ऑनलाइन रखूँगी। अभी बार बार लाइट आ रही है, तो लाइट आती है फिर मैं आपसे मिलती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ फिर आप लोगों से। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। रो ली मैं इसके साथ में, फिर भी इसको कुछ नहीं पड़ी मेरी, है ना, फ्रूटी की पड़ी है, फ्रूटी ही क्या है। जब हम आए थे ना, बहुत थोड़ा सामान लेके आए थे, और अभी देखो कितना सारा सामान हो गया। अभी तो ये आया, आ ही रहा है अंदर से। गाइस देखो हमारा सामान पैक हुआ है, बच्चे कैसे लिपट रहे हैं। कल आ गए थे हम, लेट तक आए थे, मतलब बहुत टाइम हो गया था। मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मैंने समझ को नहीं आ रही। तो अब जो हमने सामान उतारा है, वैसे तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि देखो अभी ना मेरे मुँह 7 बजने वाले हैं, और 1 घंटे पहले उठ के उठी हुई हूँ, मतलब 6 बजे से पहले उठ गए थे, क्योंकि यहाँ ना तूफान हो गया, हम बाहर लेट हुए थे, और इतनी मिट्टी आती है फिर तूफान में, क्योंकि खेत में मकान है हमारा। तो फिर सामान हमने रात उतारा नहीं था, अभी भी थके हुए थे। अब हमने पूरा सामान उतारा, दिखाती हूँ मैं आपको, पहले तूफान दिखाती हूँ फिर मैं आपको सामान दिखाती हूँ। अभी इधर उधर करना पड़ा मेरे को जल्दी जल्दी से, क्योंकि एक जगह इकट्ठा हो जाता तो पूरा घेर लेता है जगह। रुको दिखाती हूँ, मैंने इतना पानी पिया भर के, गर्म पानी, तब भी मेरे गले की बैंड बजी हुई है। अभी ना आपको पेड़ से पता चलेगा, यहाँ पे पेड़ देखो कितना तेज तूफान आ रहा है। ऐसों का काम है, आधा सामान इस चार पाई के नीचे है, आधा सामान इधर लगा रखा हमने, और आधा सामान इधर है। रुको लाइट जला के दिखाती हूँ, ये देखो आधा सामान ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ तक। खाने पीने की जो चीजें गिरने वाली थी, आधा उधर रखा है किचन में, और ये रखा हुआ है आधा, इधर रखा है आधा, और ये रही मैं, लाइट नहीं है ना। आती हूँ मस्त मलाई मार के चाय। अभी हम मौसम का मजा ले रहे हैं, मैं और चीकू, मम्मी दूध निकाल रही है, चाय रख के आई हूँ मैं, वो बढ़ जाएगी। चीकू ये रे मिंगे आई, मस्त मौसम हो रखा है, जी करा दोबारा तक सो जाओ, पर सोन कौन दे भाई ना, मम्मी सोन दे, मम्मी क्या होगी उठे के टेम हो रहा ना, ये सोन दे भाई के टेम। और वैसे भी हमने जाना है मामा के घर, मौसम बारिश वाला हो रखा है, तो अभी मैं करती हूँ मामा के घर जाने की पैकिंग। यार मेरी लाइफ, मेरे को ऐसा लगा पैकिंग अनपैकिंग में चल जाएगी, तो पहले गर्म गर्म चाय पी लेते हैं और फिर पैकिंग करती हूँ। मैंने तो पी ली चाय, अब जो मैं सोने के मूड में हूँ, और मम्मी भैंस का गाय का दूध निकाल कर ये मम्मी चाय पी रही है, बैठ के नीचे बैठ के चाय पीती है, नीचे बैठ के ही खाना खाती है। बारिश का मजा ले रही हूँ, मम्मी उधर से बारिश को आ रहे हैं, हवा आ रही है, और प्लीज़ हमारे बैकग्राउंड पे मत जाना, सब फैला हुआ है हमारा सामान फमान। अब आ गई है यहाँ बारिश बहुत तेज, अभी भी बारिश आ ही रही है, और मेरे नहा के आ गई, कल से इतनी मिट्टी हो गई, चीकू रात में नहा लिया पर मेरा मन नहीं हुआ था, मैं तो आते ही सो गई। और हमें ना मामा के घर जाना है अर्जेंटली, और अर्जेंट क्यों जाना है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। हल्की हल्की बारिश आ रही है अभी, तो फटाफट में थोड़ा बहुत बहू वाला मेकअप कर लूँ फिर निकलते हैं। गाइस देखो राजस्थान में कितनी तेज बारिश हो रही है, मस्त मजा आ रहा है, बाहर घूम रहे हैं हम दोनों, तो कुछ नहीं पता कल हम कहाँ थे, रात हम कहाँ थे, अब हम कहाँ आ गए, मतलब दिन के दिन आदमी कहाँ से कहाँ निकल जाए कुछ नहीं पता। नवीन जा रहे आ गए, मामी भी आएंगे हमारे साथ, तो गाइस में बहुत जल्दी बहुत बड़ी
अभी मैं घर आ गई थी नाली और अभी खाना लेके आई हूँ। पीछे मैं और मामी खाना खाएंगे, वो लोग खेत में चले गए सोने के लिए क्योंकि यहाँ का मौसम राजस्थान का खेत में रहने का अलग ही मजा है। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, सॉरी नहीं देखी, मैंने डल ली नहीं, मैंने एक रील डाल रखी है बस, वो देख लेना, वो जन्नत है कसम से वहाँ पे। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ।